महादेव कौन है? महादेव वो है जो नहीं है, और जो नहीं है वो महादेव है। मैं समझी नहीं। महादेव को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात महादेव। ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता। जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्म है कुमारी, उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ है, अविनाशी है, विश्वनाथ है। कालोपरि, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ है वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति, किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान। सर्वव्यापी है वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण। महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा। और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। और कोई प्रश्न? वो दिखते कैसे? निराकार है वो, निर्गुण है वो, गंगाधर है वो। चंद्रशेखर भी वही है। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, कालनिहार परमेश्वर। त्रिलोचन है वो, कालनिहार परमेश्वर, विश्व रूप महादेव। महादेव महादेव और नटराज भी वही है। कर्पूर के समान गौर वर्ण है उनका, नीलकंठ है वो, सर्प उनका कंठ हार,
नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ते, रुद्राक्ष उनके आभूषण। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की पराकाष्ठा। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो, विकराल काल है वो, वो ही एक लघु पल है, वो ही अमर है और प्रत्येक मृत्यु में वो ही मरते भी हैं। महापर्वत है वो और सूक्ष्म तृण भी वही है। पृथ्वी वो है, आकाश वो है, बंधन है वो और मुक्ति भी वही है। काल कूट विश्व और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रकाश अंधकार है। दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी वो है और समस्त अशांति भी वो है। वही ब्रह्मा है और वही नारायण, वही है देवों के देव महादेव।